हेलो किड्स, हमारा आज का टॉपिक है डोमेस्टिक एनिमल्स। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। डोमेस्टिक एनिमल्स हमेशा ह्यूमन पे डिपेंड रहते हैं, वो हम पे डिपेंड रहते हैं उनके खाने रहने पानी सब चीज़ों के लिए। चलिए, ये कौन है? काऊ। काऊ हमें क्या प्रोवाइड करती है? मिल्क, और मिल्क से बनने वाली सारी चीज़ें हम बहुत एंजॉय करते हैं। ये यस, कैट। कैट बहुत ही गुड कंपेनियंस होती है। ये डॉग, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और ये हमारी घर की रखवाली भी करते हैं। ये कौन है? कैमल। ये कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में। डेजर्ट में ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं कैमल्स। वो पैसेंजर को इधर कहीं पे भी ले जाना हो या फिर अगर माल सामान भी इधर से उधर ले जाना हो तो कैमल बहुत यूज़ में आते हैं। यस, ये कौन है? रैबिट। इनके लंबे लंबे कान होते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये कौन है? गोट। गोट हमें क्या प्रोवाइड करती है? मिल्क एंड मीट। ये कौन है? शिप। ये हमें वूल प्रोवाइड करती है। सर्दियों में हमें गर्म कपड़े पहनने होते हैं, उसके लिए वूल प्रोवाइड करती है, फिर वूल से गर्म कपड़े बनते हैं। ये कौन है? डोंकी। ये भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ आता है। पत्थर वाली जगह या जहाँ रोड नहीं होते वहाँ पे डोंकीज पे सामान लाया जाता है। ये कौन है? बफेलो। ये भी हमें मिल्क प्रोवाइड करती है। ये कौन है? हॉर्स। हॉर्स में हम हॉर्स राइडिंग करते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए भी हॉर्स यूज़ किया जाता है। ये कौन है? हैन। ये हमें एग्स प्रोवाइड करती है। संडे हो या मंडे, रोज़ खाइए अंडे। अंडे से हमारे शरीर को बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। ये कौन है? स्वीट स्वीट पिग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।